चिरंजीवी की फिल्म आचार्य की शूटिंग चल रही थी। इसके डायरेक्टर है कोतवाला शिवा। एक सीन में चिरंजीवी को सोनू सूद की पिटाई करनी थी, लेकिन अचानक से चिरंजीवी ने इस शॉट को करने से मना कर दिया और कोतवाला शिवा को इस सीन में कुछ चेंजेस लाने पड़े। क्या है वाक्य, आइए जानते हैं। हेलो और नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी घटना के बारे में जो सोनू सूद से जुड़ी हुई है। चिरंजीवी की आने वाली फिल्म आचार्य की शूटिंग बहुत ही तेजी से चल रही है। इसके निर्देशक है कोतवाला शिवा। एक सीन है जहां पर चिरंजीवी सोनू सूद की पिटाई कर रहे हैं, लेकिन जब इस सीन को शूट किया जाने लगा तो चिरंजीवी ने सोनू सूद पर हाथ उठाने से मना कर दिया। उन्होंने कोतवाला शिवा को कहा कि सोनू सूद की इमेज अब काफ़ी बदल चुकी है। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जो लोगों के बीच में मदद की है, इनको अब एक मसीहा के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में अगर मैं उन पर हाथ उठाता हूँ या उनकी पिटाई करता हूँ तो लोग मुझे भला बुरा कहेंगे। ऐसे में इस सीन को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। बाद में सोनू सूद ने यह जानकारी दी, एक रहस्य ये बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जो भी काम किया, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की मदद की, इसके बाद ऐसा हुआ कि उनके पास कई फिल्मों के ऑफर आए जहां पर नेगेटिव रोल नहीं थे, अच्छे रोल थे, कुछ कैरेक्टर्स रोल थे, और कुछ फिल्मों में उन्हें बतौर हीरो के रूप में ऑफर मिले। तो सोनू कहते हैं कि मैंने जो लोगों की मदद की, मुझे पता नहीं था कि मेरा इमेज इतना बदल जाएगा, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि सोनू सूद ने जो लोगों की मदद की उसके चलते लोगों ने कई ऐसे लोग थे जो लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए थे, जब अपने वापस घर आए तो उन्होंने, कुछ लोगों ने जो दुकान खोले वो सोनू सूद के नाम से ही रख दिए। कई जगह में उनके स्टैचूज बन रहे हैं। तो अच्छाइयाँ हमेशा अच्छाइयाँ ही देखी जाती है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सोनू सूद का जो इमेज बदला है, और अगर वो पर्दे पर अब विलन की भूमिका नहीं निभाते हैं और पॉजिटिव रोल में एक एक्टर के रूप में आते हैं, तो दर्शक उसे कितना पसंद करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक देना ना भूलें। वीडियो में पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।